गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एपीएस वासिनी में आपका फिर से स्वागत है। हम वीडियो के पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे हेलो एल्गिन के निर्माण की विधियां, कि हेलो एल्गिन का निर्माण कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि हेलो एल्गिन जो है उसका नामकरण और उसके हमने फिर क्लासिफिकेशन किया। उस सब होने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, जो उम्मीद है आपने उन क्वेश्चन किए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हेलो एल्गिन है उसके बनाने की विधियां के हेलो एल्गिन का विषय। हम ये पढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ मीडियम वाला के लिए है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्गिन, कि हम हेलो एल्गिन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किस तीन विधियों से हम करेंगे। तो हम प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है बाय एल्गिन बाय एल्गिन देखो विद्यार्थियों, कुछ ही पढ़ने से बहुत ज्यादा बहुत जरूरी होता है। हम एल्गिन से हेलो एल्गिन बनाएंगे, राइट? तो एल्गिन से हेलो एल्गिन बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? एल्गिन की क्रिया हम जब हैलोजन से कराते हैं, किससे कराते हैं? हैलोजन से कराते हैं तो हेलो एल्गिन का फॉर्मेशन होता है। पर एल्गिन की क्रिया हैलोजन से कब होती है? सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्गिन की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हेलो एल्गिन तो बनता है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा चार प्रकार के मिश्रणीय हेलो एल्गिन प्राप्त होता है। चार प्रकार का मिश्रण हेलो एल्गिन मिश्रण है वो प्राप्त होते हैं, इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। लेकिन इस विधि से भी कर सकते हैं, यह विधि उपयुक्त नहीं मानी गई है। लेकिन इस विधि से भी कर सकते हो, क्यों नहीं मानी गई है? क्योंकि इससे जैसे सनलाइट प्रेजेंटेशन रखेंगे तो इसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा चारों प्रकार के जो हेलो एल्गिन है वो मिश्रण प्राप्त होगा। कैसे? एल्गिन रिएक्ट विद एल्गिन की क्रिया एल्गिन रिएक्ट विद हैलोजन प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंटेशन में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। एल्गिन की क्रिया हैलोजन से कराने पर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एल्गिन रिएक्ट बाय हैलोजन प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। ओके, देखो अब इसमें जो रिएक्शन तो हो जाएगा जैसे हमने लिया CH3, CH2, CH3। ये एल्गिन है, एल्गिन कौन सा है? कौन है? प्रोपेन। कौन है बेटे? प्रोपेन। रिएक्ट बाय CH2 ले लिया हमने,
जो हैलोजन है वो परमाणु जो हो गया वो भी परमाणु होता है। सी आई को लिख दिया किसकी प्रेजेंटेशन में, डिनोट करते हैं इससे। यहां से क्लोरीन जो है ये निकली कहां गई इसके साथ, सिंपल सी बात है अगर यहां पर हाइड्रोजन तीन है इसकी वैलेंसी पूरी किए हुए हैं, यहां से निकल के ही नहीं जाएगा, यहां से ये निकल के नहीं जाएगा तो जुड़ेगा नहीं, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होगा और यहां पर क्लोरीन जुड़ेगी, कब द सनलाइट होगी इनको चार्ज कर देगा, आवेशित कर देगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3। और इसमें देखो जो ये मैग्नीशियम होती है ये फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है, क्या होती है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक आपने गैस में अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे, दिस इज CH2 है, समान विघटन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इसके पास जाएगा तो यहां पर CH मुक्त मूलक होगा और यहां पर क्लोरीन पे क्या होगा मुक्त मूलक होगा। और इसी प्रकार यहां से देखेंगे हाइड्रोजन उठ गया यहां पे मुक्त मूलक बनेगा और यहां पर मुक्त मूलक इस तरह है ये मुक्त मूलक यहां पर चला जाएगा, तो ये मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा भी होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि बोल सकते हैं हम इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो CH3, CH2, CH2, CL क्या हो गया HCl। अब हम इसकी रिएक्शन फिर से कराते हैं तो फिर डाई हो जाएगा, फिर से कराते हैं तो ट्राई हो जाएगा, फिर से कराते हैं टेट्रा हो जाएगा, राइट। क्या किसका फॉर्मेशन हो गया एल्केन से एल्कीन के हाइड्रोजन से डायरेक्ट पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई तो किसका बन गया हेलो एल्केन बनी, हेलो एल्केन बनी कि नहीं बनी बताओ। देखो एक बार फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय एल्केन, एल्केन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म हेलो एल्केन। फर्स्ट मेथड हो गया, अपना सेकंड मेथड है जो द्वितीय विधि है, वो द्वितीय विधि क्या है बाय रिएक्शन ऑफ एल्केन एल्कीन बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये तो एल्केन से थी, अब दूसरा है ये बन गया दूसरा विधि है एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड HH, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के योग से जो एल्कीन है उसका योग किससे कराना है हाइड्रोजन हैलाइड से HX से योग कराना है हमें। देखो इसमें जो योग होता है दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से कैसे होता है, एक तो मान लो जो उसके नियम के अकॉर्डिंग होते हैं और एक होता है एंटी मार्क के अकॉर्डिंग। एल्कीन की जो HX से रिएक्शन कराएंगे तो इसका रूल लगेगा, रूल किसका लगेगा एक तो मार्कोनिकोफ का और एक एंटी मार्कोनिकोफ के रूल की तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ परोक्साइड होती है, परोक्साइड की प्रेजेंटेशन में हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है एल्कीन के HX से योग कराएंगे एडिशन कराएंगे। दूसरा जो मार्कोनिकोफ है मार्कोनिकोफ का रूल क्या कहता है कि जो हैलोजन परमाणु है हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है, राइट। हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, मार्कोनिकोफ का रूल है।
क्या है व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्ट विद ए अटैक्स इन द पोलर पोलर बोलते हैं इसको पोलर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था पोलर का फॉर्मेशन होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया था पोलर है ये आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश बनते हैं ये तो जो पोलर कंपाउंड है और उसमें जो नेगेटिव पार्ट है पोलर कंपाउंड में जो नेगेटिव पार्ट है इंटरमीडिएट सैलिन पार्ट ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहां कनेक्ट होगा लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन नहीं सॉरी लीस्ट हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम जिस कार्बन एटम पर सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु है उस पे जुड़े तो इसको अभी इस रिएक्शन क्या कहते हैं इन ब्रैकेट में लिख लेंगे मार्कोवीटोफ के नियम से मार्कोवीटोफ का रूल आपने एलेवन में पढ़ा है जो एल्कीन है उसके जैसे ऑक्सीजन लगाएंगे तो उसमें मार्कोवीटोफ का नियम लगेगा मार्कोवीटोफ का नियम क्या है एल्कीन प्रकार का परमाणु जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के सबसे कम है सिंपल सी बात यह है कि आप हाइड्रोजन परमाणु देखना चाहते जिस कार्बन पे कम है वहां पर जो देखो CH CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गई है प्लस अगर कोई डबल बॉन्ड का देखना होगा टूटेगा डबल बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड टूटने से इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी इसकी वैलेंसी फ्री होगी एच यहां चला जाएगा CH यहां चला जाएगा इस कार्बन के पास में जाएगा क्योंकि यहां पर सबसे कम हाइड्रोजन है किसके नियम से मार्कोवीटोफ नियम दिया ठीक है क्लोरीन जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किस कारण में जाएगा उस कारण में जाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे कम है तो यहां पर सबसे कम है भाई यहां पर तो हाइड्रोजन यहां पर तीन हाइड्रोजन यहां पर कितना हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन तो यहां पर जो एक हाइड्रोजन है सबसे कम ही तो CH3 CH CL और ये क्या हो गया CH3 ये हाइड्रोजन यहां चला गया और CL हम चला गया तो 2 क्लोरो प्रोपेन का निर्माण हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन किसका फॉर्मेशन हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन का यहां तक समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इरेज करूंगा ओके चलो देखते हैं आगे मार्कोवीटोफ के नियम से पढ़ा अब होगा एल्कीन पे ही चल रहा है दूसरा पार्ट एल्कीन पे ही चल रहा है तो एल्कीन के योग से चल रहा है उसमें एक तो होगा मार्कोवीटोफ के नियम से दूसरा है एंटी मार्कोवीटोफ नियम से एंटी मार्कोवीटोफ का नियम देखो एंटी का मतलब आप जानते हो उल्टा हो गया कोई भी है अपना किसी कोई अपना एंटी है अगर हम किसी की अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वह बुराई तो करेगा ही करेगा एंटी है तो वो मार्कोवीटोफ के एंटी उसको उल्टा हो गया विपरीत हो गया मार्कोवीटोफ ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के कम और इसने क्या बताया कि एल्कीन श्रेणी में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या
और यह केवल विहारपुर के साथ दर्शाता है प्रोक्साइड की उपस्थिति होती है, तो प्रोक्साइड की प्रेजेंटेशन में दर्शाएगा रिएक्शन देखो प्रोफाइड के लिए आपने अच्छा ध्यान रखना, जो ये विहारपुर है केवल विहारपुर के साथ ही अभिक्रिया क्यों कर सकता है क्वेश्चन आपको ढूंढना है और हमने आपको ग्यारह फीट में भी करवाया है। बीआरपू सी एस थ्री सी एस डबल सी एस टू एंटी मैग्नेटिक मूव का नियम क्या कहता है, एंटी मैग्नेटिक मूव का नियम ये कहता है कि जो हैलोजन एटम है वो वहां जुड़ेगा सॉरी एच एक्स बना तो यहाँ पर एच बी आर कह देते हैं
अल्कोहल से कैसे बनेगा? देखो इसमें दो रिएक्शन है अपनी, फर्स्ट है अल्कोहल तथा एचएक्स की अभिक्रिया से, अल्कोहल तथा एचएक्स की अभिक्रिया से। जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा।
इसमें एनी टॉस हो जाएगा और सीएसडीआर क्लाइम हो जाएगा, ठीक है, अलग से मेथड है। अब दूसरा है थायरॉइड क्राइटेरिया हुआ, जिसे हम डार्सन विधि भी बोलते थे, सॉरी इसका पहले वो क्रियाशीलता क्रम लिख लेते हैं, अम्लोपिक क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ग के ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये पता होना चाहिए क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है। देखो जब वर्ग के ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हैलो एल्किन है, हैलो एल्किन बना कौन रहा है, हैलो बना रहा है, तो हैलो बना रहा है, तो हम जैसे यहाँ बात करें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे आए तो हम लोग क्रियाशीलता बढ़ती है। ध्यान रखना जैसे आपसे कभी पूछ रहे हैं HCl HI HBr में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो कौन होगा, HI होगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लों की क्रियाशीलता हम अक्सर किस पर टिक कर देते हैं, HCl पे टिक कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो अम्ल होगा वो कौन होगा, HI होगा। हम क्रियाशीलता का भी कह दे यहां पर HI Br और HCl, ठीक है, यहां तक आया समझ में, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसी की दूसरी एक्शन कराएंगे डार्सन विधि, चलो इसको मैं रेस कर देता हूं। राइट, ऐसे शेयर को से कराने से जो इसमें वास करती है
कौन से देखो, एक तो एस ओ टू बनेगा, एक एच सी एल बनेगा, दो बनेंगे जिनमें से एस ओ टू तो बेटर हो जाएगी और जो एच सी एल बनेगा उसको एब्जॉर्ब हो जाएगी ट्रेडिंग से। देखो कैसे सी एस थ्री ओ एच प्लस एस ओ सी एल मैथेनॉल के जाने से करा देंगे या एस ओ सी एल टू से करा देंगे। इस विधि से हम ब्रोमाइड का आयरन नहीं बना सकते हैं। वो क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर एस ओ पी आर टू लेंगे जो कि एच फाइव है और वो लेंगे एस ओ आई टू लेंगे जो कि अज्ञात है। इस विधि से दीपक एक बात में ये प्रेजेंटेशन दर्शा रही है हमें उपस्थित प्रश्न, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाई, जैसे हमने क्या बताया दो कंपाउंड तीन कंपाउंड बनेंगे मुख्यतः कौन कौन सा, एक तो आर सी एल एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। मेथिल जो है ये एक बनेगी एस ओ टू और एक बनेगा एच सी एल, ये बनेंगे जिनमें से एस ओ टू तो बेटर हो जाएगी वास और जो एच सी एल है इसको प्रीडी एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने पास क्या बच जाएगा हेलो एल्किल। देखो सी एस थ्री से कौन जुड़ा सी एल, यहां से सी एल कनेक्ट हो गया सी एस थ्री के साथ। देखो ये सी एस थ्री तोड़ें ओ एच पूरा कम ये हट गया कंपाउंड और ये बन गया ओ एच माइनस बाहर हो गया, यहाँ पर माइनस ईसीएल कनेक्ट हो गया प्लस ये जो ऑक्सीजन है इस एसओ के साथ जुड़ी क्या बना दिया एच ओ टू, ये एसओ इस पर कौन जुड़ा ये ऑक्सीजन जुड़ा क्या बनाया एच ओ टू, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बची थी ये हाइड्रोजन बची और यहाँ पर एक सीएल बचा तो हाइड्रोजन कौन कनेक्ट होगी सीएल और क्या बनाया एच सी एच। समझ में आया सी एस थ्री ओ एच है टूटा यहां से ओ एच अलग हो गया एस ओ सी एल टू जो था यहां से सी एल की तीन सी एल बची ये वाली एक सी एल बची और ये एस ओ था ओ के साथ कौन जुड़ा ओ एस ओ टू बना सी एल यहां पर कनेक्ट हो गई जो ये बची थी इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गई क्या बना दिया एच सी एल। समझ में आया डार्क जो मेथड है वो प्रिडिक्टिव प्रेजेंटेशन में होता है और यह सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है, सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है क्यों, क्योंकि इससे जो हाइपरलिंक प्राप्त कर किया जाता है और इस विधि से जो अपने पास उत्पाद जो सह उत्पाद मिस रहे हैं ये क्या है सह उत्पाद, जो ये सह उत्पाद है ये तो वास्तविक हो जाएगा तो विधि सर्वोत्तम मानी गई है उपयुक्त मानी गई है भाई जो सेल पार बन रहे हैं तो है ही नहीं ये तो वेपर बन गया ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया बचा क्या फिर हेलो एल्केन और बनाना क्या है आपने हेलो एल्केन ही बनाना है, बाकी आपने जो विधियां देखी थी उनमें कुछ ना कुछ सेल पार के रूप में बच रहा था लेकिन इनमें सेल पार जो बने हैं ये मुख्य उत्पाद हो गया ये सेल पार हो गए एसओ2 वास्तविक हो जाएगी HCl प्रोड्यूस को अवशोषित कर लेगा प्रोड्यूस को क्या करेगा अवशोषित कर लेगा। समझ में आया एक नोट की बात है, नोट की बात क्या है कि जैसे हमने इस विधि में इन दिस मेथड इस विधि में हम क्या होते हैं नहीं कर सकते इस विधि में आर बी आर व आर आई एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं हो सकता।
जैसे हमने HCl को लिया था स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।